उत्तर पश्चिम जिला सेवा दल की ओर से अंधेरी पूर्व स्थित मालपा डोंगरी नंबर 3 में आयोजित मासिक झंडा वंदन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गुरुदास कामत ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का निर्देश है कि महीने के आखिरी रविवार को पार्टी के लोग जगह जगह मासिक झंडा वंदन कार्यक्रम आयोजित कर समाज में समन्वय स्थापित करते हुए कांग्रेस की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाए। उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए समाज में नफरत फैला रहे हैं, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। नफरत नहीं, प्यार से लोगों का दिल जीतेंगे। बहुत सालों के बाद में राहुल जी ने कांग्रेस अध्यक्ष ने एक नए अध्यक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति की। राजीव भाई और मैं समझता हूँ उनके पहली बैठक में जहाँ हर प्रदेश के अध्यक्ष उपस्थित थे, सबसे विचार विमर्श के लिए तय किया कि कांग्रेस संस्था में अनेक विंग्स हैं, एरन बॉडी है, युवा कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, NSCI है, सेवा दल है, लेकिन सेवा दल की कुर्बानी, सेवा दल की सेवा देश के लिए पार्टी के लिए और जो अनुशासन में विश्वास रखने वाली सबसे बड़ी संस्था हम मानते हैं, उनके जरिए देश प्रेम का संदेश भेजने के लिए महीने के हर रविवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों में मैं समझता हूँ आदेश दिया गया कि झंडा वंदन का कार्यक्रम वैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को काउंट करती है, कांग्रेस स्थापना दिन को काउंट करती है, लेकिन ऐसे आखिरी रविवार को हर महीने में ये कार्यक्रम किया जाए अपने अपने विभागों में, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर उस स्थानिक लोगों को एक साथ लेकर एक बढ़िया कार्यक्रम अरुण सुवर्णा और विजय रेड्डी के नेतृत्व में यहाँ पर आज किया गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ जो संकल्प लालजी भाई ने लिया है, जो निर्देश हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी ने दिया है, उसका पूरा पालन करेंगे और अनुशासन के साथ सभी कांग्रेसजनों को प्रोत्साहित करेंगे।